चलिए दोस्तों, इसका शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप कैसे GTPL साथी ऐप को अपने कंप्यूटर में खोल सकते हैं, उसका रिचार्ज, रिन्यू, डिस्कनेक्ट वगैरह कर सकते हैं या पैसे कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर को ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद आपको अपने गूगल क्रोम में जाना होगा या किसी भी वेब ब्राउज़र से उसे एक्सेस करना होगा। चलिए हम लोग गूगल क्रोम में चलते हैं। या गूगल क्रोम में जाके डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का स्टेटस बार आपके पास ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ आपको टाइप करना होगा GTPL साथी। यहाँ टाइप करने के बाद इसमें एक बार क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने कुछ इस तरीके से आएगा। आपको GTPL साथी को फिर ऑन करना है। ऑन करने के बाद यहाँ आपको अपना पोर्टल नंबर डालना है और इस जगह पे अपना पोर्टल का पासवर्ड और इस जगह पे आपको अपना कैप्चा इंटर करना है। और रिमेम्बर मी या करके लॉगिन पे इंटर करना है। इंटर करने के बाद इस तरीके का कुछ पेज ओपन होगा। इसे आप होम पेज पे क्लिक करिए या अपने आप हट जाएगा। हट जाने के बाद यहाँ पहले आपको आएगा सर्च का ऑप्शन। तो सर्च में आप किसी भी बॉक्स का नंबर देख सकते हैं। जैसे मुझे इस नंबर का देखना है तो आपको अपना नंबर डालना है। यहाँ पे आप अकाउंट नंबर भी डाल सकते हैं या मोबाइल नंबर भी डाल के आप सर्च कर सकते हैं। सर्च के बाद सर्च में क्लिक करना है। नंबर डाले बॉक्स नंबर डालने के बाद क्लिक करिएगा तो कुछ इस तरीके से आएगा। आपको ये पैकेज में शो करेगा कि आपका कितना, कौन सा पैकेज एक्टिव है, कौन सा पैकेज बंद है। ये जैसे यहाँ पर मेरा ये सब पैकेज एक्टिव है तो ये आपको दिखा देगा। और इसमें बंगला गोल्ड पैक में ये सब क्या क्या चैनल है ये सब भी इसमें आप देख सकते हैं। यहाँ से क्लिक कर नीचे कर स्क्रॉल करते हुए आप ये सब देख सकते हैं। और अगर आपको मान के चलिए कोई चैनल नहीं आ रहा है तो आप इसमें रीट्रैक भी दे सकते हैं। रीट्रैक का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। यहाँ रीट्रैक दीजिएगा तो आपका अपने आप इस जगह पर रीट्रैक सक्सेसफुली विद कस्टमर आ जाएगा। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। यहाँ से आप अपने कस्टमर का मोबाइल नंबर, कौन सा पैकेज एक्टिव है, कस्टमर का पहले क्या हिस्ट्री था, ये सब चीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ से आप अपना नंबर भी देख सकते हैं और यहाँ पे अकाउंट नंबर आपका आ जाएगा। आप चाहे तो मोबाइल नंबर डाल के भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद चलिए डैशबोर्ड में। तो डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं कि आपका कितना एक्टिव है बॉक्स, कितना इनएक्टिव है या कितने का, कितने कितने डेट में बंद होंगे। जैसे छः तारीख को मेरा 7 बॉक्स बंद होगा, 7 तारीख को 4 बॉक्स, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसमें आप ये देख सकते हैं कि इसमें आपका कितना बॉक्स पोर्टल में है या नहीं है और इसमें कितना आपका इनएक्टिव एजेंसी है। और अगर आपको अपना वॉलेट बैलेंस देखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉलेट बैलेंस। उसके बाद चलिए दोस्तों, ये एक नया सिस्टम आ रहा है GTPL प्रगति का। इसमें आप अपने शॉर्टफॉल 24 को, कितने बॉक्स आपका है नहीं है पड़ेगा वो सब आप देख सकते हैं इसमें। ये देखिए, जैसे मेरा 30 को टोटल ड्यू है 4, 3, 1, रिन्यू मेरा कितना है, रिन्यू 24 घंटा का अंदर कितना हुआ, ये सब आप यहाँ देख सकते हैं। और अगर आपको जानना है कि मेरे किस पैकेज में किस चैनल है तो इसके लिए आपको पैकेज ट्रेनिंग में जाना है। और अगर आपको जानना है कि कस्टमर से क्या है, क्या ऑफ़र वगैरह है, तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग मैनुअल में जाना है। चलिए पैकेज डिटेल में चलते हैं। पैकेज डिटेल में जाने के बाद आपको यहाँ पे पैकेज का ऑप्शन मिलेगा। ये आपका फैमिली पैक का है, ये आपका खुदरा चैनल का है और ये GTPL KCBPL रिकमेंडेड पैक सबका है। यहाँ से आप कोई भी शो पैकेज में क्लिक करिए। ये आपका पैकेज आ गया है। रेट है
पर मंथ का हिसाब से है। आप मान चलिए कोई पैकेज कंपेयर भी कर सकते हैं, जैसे मुझे बंगला रॉयल और हिंदी पावर प्लस कंपेयर करना है, तो वो आप कंपेयर करके भी यहाँ देख सकते हैं। कंपेयर करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि बंगला रॉयल 430 में ये चैनल है, यहाँ पर चैनल है और ये चैनल आएगा, जिसमें क्रॉस का साइन होगा वो समझिएगा कि वो पैक में चैनल नहीं है। जैसे हिंदी पावर प्लस में स्टार गोल्ड सिलेक्ट नहीं है, लेकिन बंगला रॉयल में है। यहाँ से आप ये देख सकते हैं, ये स्क्रॉल करते हुए आप नीचे जाते हैं, सब देख सकते हैं चैनल सब। ये देखिए, जैसे इसमें 430 में स्टार्स ज्योग्राफिक प्रोमो 2 नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप चाहें तो इसमें आप ये देख सकते हैं, फैमिली पैक का यहाँ प्राइस है, विद प्राइस जी का ये प्राइस है। यहाँ के ऑल इन वन फैमिली पैक, इसमें चैनल आपको शो करेगा कितना चैनल आपको मिलता है। और ये अलाकार्ट का है शो चैनल में, यहाँ से आप अलाकार्ट का चैनल सर्च कर सकते हैं। उसके बाद चलिए ट्रेनिंग मैनुअल में। ट्रेनिंग मैनुअल में आपको पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ आप खोल के कोई भी देख सकते हैं कि सब्सक्राइबर कॉर्नर, साथी ऑटो रिन्यूमल या पेटीएम का डॉक्यूमेंट, रेजर पे डैशबोर्ड, जीटीपीएल साथी, लाइक, क्विक पे, सब देख सकते हैं आप इसमें। उसके बाद आपको एक्टिवेशन, अगर कोई बॉक्स आप नया लिए हैं तो उसके लिए पहले आपको एक्टिवेशन में जाके फॉर्म फिल करके, आपको वैलिडेट करके उसमें आपको एक्टिवेट करना होगा, तभी आप चला सकेंगे। उसके बाद आपको ऑर्डर में, अगर कोई किसी को आपको चाहिए ऑर्डर देना है, किसी का पैकेज मारना है, तो आप ऑर्डर में जाके यहाँ सर्च करके यहाँ से GTPL रिकमेंडेड पैक या ब्रॉडकास्टर वगैरह या अलाकार्ट में सिलेक्ट करके, मुझे बंगला पैक देना है तो यहाँ बंगला सिलेक्ट करके, बंगला पैक देना है तो मुझे बंगला सिलेक्ट करके कोई भी पैक में क्लिक करके, जैसे मुझे बंगला रॉयल देना है तो क्लिक करके नेक्स्ट करिएगा। अगर आप और चैनल देना है तो यस, नहीं तो नो, तो मुझे नहीं देना है तो मैं नो करूँगा। उसके बाद यहाँ सबमिट करने के बाद आपको पैकेज चला जाएगा, और अगर आपका आधा घंटा एक घंटा के अंदर नहीं आता है तो आपको रिट्रैक देना होगा। उसके बाद अगर आपको कोई बॉक्स ऑफ करना है तो सस्पेंड एक्टिव में जाके ये बॉक्स नंबर डाल के या अकाउंट नंबर डाल के सर्च करिए। सर्च करने के बाद सस्पेंड यहाँ पे क्लिक करके सस्पेंड में सिलेक्ट रीजन या पेमेंट ड्यू, और यहाँ कुछ ओके लिख दीजिए और यहाँ सबमिट कर दीजिए, आपका बॉक्स इनएक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो किसी कस्टमर के डिटेल्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे इसे मैंने मॉडिफाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डालना है या बॉक्स नंबर नहीं चलेगा, वैलिडेट कर दीजिएगा। उसके बाद आप किसी भी डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं, इसमें क्लिक करके किसी भी डिटेल को आप चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर सबमिट कर दिया आपका डिटेल चेंज हो जाएगा। अगर आपको वॉलेट में पैसा लोड करना है तो यहाँ से पहले से JVE पे में आपको पहले जाना होगा, GTPL JVE पे, उसके बाद 6110 सिलेक्ट करके यहाँ अमाउंट इंटर करके किसी भी एक पेमेंट गेटवे को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे नाउ पे क्लिक करके पे कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको रिन्यू करना है तो रिन्यू में जाना होगा, अगर किसी का कस्टमर का चलते हुए रिन्यू करना है, अकाउंट नंबर या बॉक्स नंबर दीजिएगा, सर्च कर दीजिएगा। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको पैकेज आएगा, उसको सिलेक्ट करके रिन्यू कर दीजिएगा। अगर आपका कोई बॉक्स डिसकनेक्ट करना है तो यहाँ से आप डिसकनेक्ट उस बॉक्स को कर सकते हैं। तो मुझे ये बॉक्स को डिसकनेक्ट करना है,
बॉक्स नंबर डाल के यहाँ से आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं इसको। उसके बाद आप चाहे तो अपने कस्टमर को SMS भी भेज सकते हैं। पहले आपको इसमें इसको काट करके सिलेक्ट एंट्री करके यहाँ पे एक्सपायरी इन 3 डेज पे क्लिक करके यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप चाहे तो वॉलेट बैलेंस आप यहाँ से देख सकते हैं, ये वॉलेट बैलेंस शो कर रहा है। चाहे तो यहाँ से चेंज पासवर्ड कर सकते हैं या लॉग आउट भी कर सकते हैं। और यहाँ से आप अपने कस्टमर के कितने बॉक्स इनएक्टिव है, कितने नाम क्या है, ये सब आप देख सकते हैं सब्सक्राइबर लिस्ट से। सब्सक्राइबर लिस्ट सिलेक्ट एंट्री करके 6110 या जो भी आपका पोर्टल नंबर है टोटल सब्सक्राइबर लिस्ट क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको अगर एक्टिव कस्टमर का देखना है तो एक्टिव, नहीं तो इनएक्टिव। तो मुझे इनएक्टिव देखना है तो यहाँ पे शो डाटा पे क्लिक कर दीजिए। आपका PDF का फॉर्मेट में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या रेड ग्रिड का फॉर्मेट में आपको आ जाएगा। तो मुझे ये करना है तो यहाँ पे एक बार एक्सेल एक्सपोर्ट टू एक्सेल में क्लिक करिए। यहाँ पे आपका डाउनलोड हो रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे, यहाँ पे मेरा डाउनलोड हो गया। ये डाउनलोड पे मैं क्लिक करूँगा, ये देखिए मेरा अपेयर हो गया है। तो यस करना है एक्सेल में जाने का है, ये देखिए मेरा सब्सक्राइबर लिस्ट आ रहा है, अपेयर हो गया मेरा। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं लेकिन यहाँ अपना अच्छा नहीं दिखाएगा। चलिए आप डाउनलोड भी कर सकते हैं या ऐसे भी देख सकते हैं। यहाँ आपका क्या पैकेज है, क्या STB नंबर है, सब मोबाइल फ़ोन नंबर सब देख सकते हैं आप यहाँ पे। और यहाँ और सब भी फॉर्मेलिटीज़ है, जैसे आप अपने कितने अपने पोर्टल में वॉलेट पैसे लोड किए हैं या कितने पेमेंट हुआ है किया गया है, सब आप यहाँ से देख सकते हैं। ऑटो रिन्यूअल का भी देख सकते हैं, सब देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से लॉग आउट मारना है। ये हो गया लॉग आउट। यहाँ पे आप किसी को पैकेज भी दे सकते हैं। अलाकार्ट से मैं दिखा देता हूँ एक बार, देखिए जैसे मुझे ये इसको पैकेज देना है सर्च। उसके बाद आपको अलाकार्ट से अगर कुछ देना है या ब्रॉडकास्टर बकेट से, तो अलाकार्ट मुझे देना है तो अलाकार्ट। यहाँ से आप मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 मंथ या 12 मंथ जो भी हो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये अलाकार्ट का चैनल सब है, यहाँ से आप देख सकते हैं। सब स्क्रॉल करते हुए धीरे धीरे देख सकते हैं। और यहाँ से आप सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद मुझे ये देख सिलेक्ट करना है तो उसके बाद सबमिट। सबमिट पर क्लिक करते ही आपका शो करने लगेगा। ये देखिए जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ मेरा चैनल का नाम आ रहा है और यहाँ मेरा प्राइस आ गया। सबमिट करते हैं आपका वो चीज़ एक्टिव हो जाएगा।
दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा।